राहुल गांधी के जो दिल्ली के सांसद आवास है उसमें एक छोटा चर्च बना हुआ है, ये ईसाई है और अगर ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में गए तो इनके पीछे पूरा चर्च, पूरा जो दिल्ली का चर्च है, जो पुरानी दिल्ली कश्मीरी, वो इनके पीछे पड़ जाएगा। ये नहीं जा सकते, ये बिल्कुल नहीं जाएंगे। कोरोना की वैक्सीन आई थी ना तो उस टाइम भी कहते हैं ये तो भाई बीजेपी की वैक्सीन है, हम तो लगवाएंगे नहीं। और बात सुनो, जब दूसरी वेव आई मई 21 में अप्रैल में, तो भाई साहब सबसे पहले राहुल गांधी 2019 में डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में क्या कहते हैं कि देश के पास 70 करोड़ लोगों के पास खाते नहीं है। क्यों भाई, तुम 5 साल वित्त मंत्री रहे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, तुमने क्या किया था देश के लिए? मैं आपको बताता हूँ, 1980 में बीजेपी के पास 2 सांसद थे, वो भी दक्षिण भारत से। अच्छा। बीजेपी की 4 ही पॉलिसी थी, धारा 370 हटाना, राम मंदिर और फॉरेन पॉलिसी और रोड बनाना। 1980 से लेकर 2003 तक, जब सर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी 1999 तक, तब भी इन्हीं की यही पॉलिसी थी, इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी कभी नहीं बदली। अब दूसरी बात, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान के साथ 11,000 करोड़ का निवेश करेगा अडानी ग्रुप, 9,000 करोड़ का निवेश करेगा टाटा ग्रुप। आप अयोध्या में जाके देखो, सारे दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बहुत अच्छे तरीके से सजाया है, रोड सबसे ज्यादा विकसित, सबसे ज्यादा होटल अयोध्या में अभी बने हैं, सबसे ज्यादा आधुनिक शहर आने वाले 10 साल में अयोध्या विकसित होगा। दिल्ली से भी, गुड़गांव से भी, कहीं ऊपर जाकर अयोध्या विकसित होगा। और सर, धर्म के साथ साथ हमारा आर्थिक विकास भी होता है, जीडीपी में 2.7% हमारा सहयोग है हिंदू धर्म के लोगों का। ऐसे नहीं कि हम सूर की तरह हज पे सरकार का मुनाफा लेके हज पे चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। तो धर्म के साथ साथ आर्थिक विकास भी होगा। कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है देश को तोड़ना और हिंदू धर्म का नाश करना। 22 जनवरी को लेकर क्या तैयारी करनी है? 22 जनवरी को लेकर भाई साहब पूरी तैयारी, पूरा 140 करोड़ जनता जो है बिल्कुल उत्साहित है और हर घर में दिए जलेंगे, दिवाली मनेगी और एक दिवाली तो नवंबर में चली गई है, अब लोग दूसरी दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए तैयार है और बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयारी कर रखी है। मैं कह रहा हूँ अभी कहीं भी चले जाओ, आप सदर बाजार चले जाओ, कुछ चले जाओ, चीज़ें नहीं मिल रही। लोगों ने तो भाई साहब क्रैकर्स भी इकट्ठे कर लिए, क्रैकर्स की दुकानें खाली हो गई हैं। हाँ, बहुत जनता जनार्दन का प्यार है पूरा आदरणीय मोदी जी को, और जनता जनार्दन का जहाँ प्यार हो, जनता जनार्दन भगवान का रूप होती है। तो राजनीति भी खूब दबा के हो रहा है इस समय, कहा जा रहा है कि रामलला बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अरे रामलला बीजेपी की, बात सुनो कैसे चुनाव लड़े, मेरे को बताओ। अगर बीजेपी, बात सुनो, आपको पता है ये जितने भी क्या निमंत्रण जब भेजा गया सबको, तो कहे कि अरे ट्रस्ट अगर निमंत्रण भेजे तो ठीक है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी निमंत्रण भेजवा रहे हैं। ट्रस्ट ही भेज रही है, संपत राय भेज रहा है और कोई नहीं भेज रहा है, ट्रस्ट भेज रही है, ना आरएसएस भेज रहा है, ना बीजेपी भेज रही है। और आपको पता है जो लोग नहीं जा रहे हैं उनके अपने बंदे जा रहे हैं ग्रास रूट लेवल के। आपको पता है आचार्य प्रमोद कृष्णम वो अयोध्या पहुंच गया है, वो उसने सोनिया गांधी को, सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह को आज आईना दिखा दिया है, वो पहले ही पहुंच गया वहां पर। तो बताओ इनके इनके आपस में एकता नहीं है। एक वो जो यूपी का प्रभारी है इनका कांग्रेस का, अजय राय, वो कह रहे हम तो जाएंगे। वो बात दूसरी है कि सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की फोटो लेके जाना चाहिए विपक्ष को कि नहीं जाना चाहिए? देखो अगर वो हिंदू हैं, अपने को हिंदू बोलते हैं सामाजिक हिंदू के नाते से, तो उनको जाना चाहिए। राजनीति अपनी अलग है, राजनीति को हटा के परे हटा के, एक अगर आपने पूजा करनी है। आप कह रहे हैं कि राजनीति अलग है, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, पूरा आरएसएस और बीजेपी लगा पड़ा है, तो राजनीति तो हो ही रहा है। वो इससे मतलब नहीं है, अगर आप हिंदू हो और आपने अगर कोई शादी करनी है, कोई ब्याह करना है, तो पहले किसकी पूजा करोगे या किसको आप आगे लेके चलोगे, तो उसके हिसाब से, इसको हिसाब से भाई कम से कम भी आप अगर हिंदू धर्म में मानते हो, आप हिंदू हो तो भाई जाना चाहिए, या नहीं तो बोल दो भाई हम हिंदू नहीं है। अच्छा, जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? राहुल गांधी के जो दिल्ली के सांसद आवास है उसमें एक छोटा चर्च बना हुआ है, ये ईसाई है और अगर ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में गए तो इनके पीछे पूरा चर्च, पूरा जो दिल्ली का चर्च है, जो पुरानी दिल्ली कश्मीरी, वो इनके पीछे पड़ जाएगा। ये नहीं जा सकते, ये बिल्कुल नहीं जाएंगे। मटर यहाँ वो तो जनेऊ पहनते हैं, वो कहते हैं कि भाई वो चुनाव से पहले पहना था, लेकिन ये तो राम मंदिर का प्रतिष्ठान। सर जिस तरीके से ईसाइयों का वेटिकन सिटी है, सिख धर्म का स्वर्ण मंदिर, सिख धर्म का स्वर्ण मंदिर है, उसी तरीके से हिंदुओं का ये पहला आस्था का केंद्र है। अगर यहाँ वो जाएंगे तो पूरे चर्च इनके पीछे पड़ जाएंगे। क्या आप क्यों गए? क्योंकि इनके घर में छोटा एक चर्च होता है, इनके सांसद आवास में आप देखो ये चर्च है, तो ये अपने आप को ईसाई मानते हैं, तो इसलिए वो ये नहीं जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि जो है मोदी जी वहाँ जा रहे हैं, आरएसएस का पूरा कार्यक्रम है, इसमें रामलला से संबंधित कोई किसी आरएसएस का कार्यक्रम ना, विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन था, उन्होंने ये कहा था कि अगर हम इस आंदोलन में कामयाब होते तो हम कम से कम देश
देश की 60 करोड़ पत्र पहुंचाएंगे और उनको निमंत्रण देंगे। ये सिर्फ इसीलिए, आरएसएस का इसमें कोई रोल नहीं, आरएसएस एक संगठन है, वो अपना काम करता है। तो यार कोरोना की जो उन्होंने तो बात सुनी, जब कोरोना की वैक्सीन आई थी ना तो उस टाइम भी कहते हैं ये तो भाई बीजेपी की वैक्सीन है, हम तो लगवाएंगे नहीं। और बात सुनो, जब दूसरी वेव आई मई 21 में अप्रैल में, तो भाई साहब सबसे पहले राहुल गांधी, अखिलेश जो कह रहे पोलियो आया था 1954 में पोलियो आया था, आज तक पोलियो की वैक्सीन नहीं, आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट को उन्होंने बंद कर दिया था, उसी आधार पूनावाला ने इसकी कोविड की वैक्सीन बनाई। 1954 से आज तक इनसे पोलियो की वैक्सीन नहीं आई, और ये कहते हैं कि हमने ये किया देश के लिए, वो किया। 2019 में डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में क्या कहते हैं कि देश के पास 70 करोड़ लोगों के पास खाते नहीं है। क्यों भाई, तुम 5 साल वित्त मंत्री रहे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, तुमने क्या किया था देश के लिए? तो सर कांग्रेस की नीति हमेशा से डाउन रही है, उन्होंने कोई काम नहीं किया देश में।